सर इधर दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं। जितने भी दिल्ली के लोगों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन सबको मैं अपना बच्चा मानता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी दिल्ली के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन दिए हैं, वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के मिडिल क्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते, तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए। अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, वो वहां पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहां सबसे दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है। तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं, वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें। अभी तक 1000 से ज्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। मैं आपको मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, सारे जने कैमरे पे दिखा दो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, इसमें क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये दो बार लिखा, उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का? अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं अब उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया।
दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी इस बार। हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। सीधे यहीं से चल रहे हैं।